हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस एंड्रॉयड स्मार्टफोन को अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट और यूज़ करेंगे इसके 4G इंटरनेट को। अगर आप चाहते हैं आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में स्मार्टफोन को कनेक्ट करके उसकी 4G इंटरनेट को यूज़ करना, तो देखते रहें ये वीडियो होने वाला आपके लिए कुछ खास। आपको इसके लिए चाहिए आपका स्मार्टफोन और उसमें 4G इनेबल्ड, और उसके साथ चाहिए आपको एक डेटा केबल जो कि फ़ोन के साथ प्रोवाइड किया जाता है सभी को, जिससे आप चार्ज में भी यूज़ करते हो। तो इस केबल के जरिए हम करेंगे इस स्मार्टफोन को अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट और देखेंगे नेट यूज़ कैसे कर पाते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर के। तो सबसे पहले तो केबल को मोबाइल से कनेक्ट कर लिया जाए, तो कुछ इस तरह से हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद केबल के जो दूसरी तरफ है, दूसरा पोर्ट है, वो अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कनेक्ट कर लें इस तरह से। और कनेक्ट करने के बाद आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आएगी USB फॉर चार्जिंग की, तो इसे कुछ करना नहीं है, इसे आराम से स्वाइप कर दीजिए, हटा दीजिए और मेनू में जाइए। मेनू में जाने के बाद आप अपने सेटिंग ऑप्शन में जाइए। सेटिंग ऑप्शन के में जाने के बाद आप वहाँ पे देखेंगे मोर का ऑप्शन है एक, तो मोर पोर्टेबल हॉटस्पॉट के नीचे मोर का ऑप्शन है। मोर का ऑप्शन में जाने के बाद आपको मिलेगा वहाँ पे USB टेथरिंग की ऑप्शन, तो उसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के साथ ही आप देख पाएंगे कि आपके डेस्कटॉप पे एक नोटिफिकेशन आती है कि आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया है, और बस आपको इंतज़ार करना है, कुछ देर वेट करना है जब तक ये कनेक्ट हो नहीं जाता है। ये समथिंग 2-3 मिनट्स लेती है कनेक्ट होने में, तब तक रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। और जी हाँ, आप देख सकते हैं नेटवर्क एक्सेस हो चुका है, ज़्यादा टाइम लगा नहीं है और यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं वेब ब्राउज़र पे और देखते हैं वहाँ पे गूगल सर्च हो पा रहा है या नहीं। तो ये है मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र, यहाँ सर्च करते हैं youtube.com और ये प्रोसेसिंग हो रहा है और ये जी हाँ ओपन हो चुका है। तो आप इस तरह से अपने लैपटॉप में और डेस्कटॉप में अपने स्मार्टफोन के जरिए इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे, 4G को यूज़ कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं रोज़ाना लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।